देखिए जहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जबरदस्त सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी जसोदा बहन घायल हो गई है। उनकी इनोवा कार ट्राले से टकरा गई है। यह हादसा आपको बता दें काटुंडा मोड़ पर हुआ है, जिसमें पीछे से इनोवा कार जा रही थी और इस हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत हो गई है, जबकि एक बच्ची, दो महिला सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे में जसोदा बहन को भी चोटें आई हैं। अस्पताल में घायलों को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। बाद में जसोदा बहन को छुट्टी दे दी गई और वो विमान से अहमदाबाद रवाना हो गई है। आपको बता दें कि जसोदा बहन अपने परिजनों के साथ अटू से ऊंच की तरफ इनोवा कार से जा रही थी, तभी चित्तौड़ कोटा मार्ग पर काटुंडा मोड़ के पास ये हादसा हो गया। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से चित्तौड़गढ़ के जिला चिकित्सालय लाया गया और बाद में हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को इलाज के लिए उदयपुर रेफर कर दिया गया है। उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल में इन घायलों को भर्ती करवाया गया है, जहां एक महिला विमला और चालक संजय ठाकुर की हालत गंभीर बताई जा रही है। महाराणा भूपाल अस्पताल के अधीक्षक विनय जोशी की निगरानी में घायलों का इलाज जारी है। हमारे संवाददाता हेमेंद्र हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है बात करने के लिए। हेमेंद्र, अभी क्या अपडेट मिल पा रही है इस खबर पर? जी, जिस तरह से घायलों को यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से चित्तौड़ से उदयपुर महाराणा भोपाल अस्पताल में लाया गया, यहाँ उदयपुर में चिकित्सकों की टीम, पूरे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी का लवाजमा यहाँ पर मौजूद पहले से ही था, और यहाँ तक कि जयपुर से भी एक टीम स्पेशल रूप से इसके लिए बुलाई गई। खुद प्रिंसिपल सेक्रेटरी यहाँ पर आए और पूरी निगरानी में उनके यह सब सारी गतिविधि हो रही है। अगर बात इलाज की जाए तो डॉक्टरों ने इलाज तत्परता के साथ में किया है और आगे भी यह इलाज जारी है। डॉक्टरों का यही कहना है कि 48 घंटे जो होते हैं किसी भी घटना के बाद में, वो काफी अहम होते हैं, क्योंकि जो चेहरे पे जो सूजन आती है, शरीर में जो सूजन आती है और उसके बाद में वापस सूजन उतरती है, तो यह जो दौर होता है 48 घंटे का, यह काफी क्रिटिकल होता है। इसमें काफी निगरानी रखने की जरूरत है। डॉक्टरों की पूरी टीम लगी हुई है और पूरी तरह से जो दोनों घायल आए थे उनका इलाज यहाँ पर जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ दीपक गोस्वामी हमारे संवाददाता लाइव।